नमस्कार, सुजाता की रसोई से में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ताज़े फलों से रिफ्रेशिंग मॉकटेल ड्रिंक। ये फ्रेंड्स अलग अलग तरह के फ्लेवर में हम दो तरह से बनाएंगे। इसका टेस्ट आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आप इस तरह का ड्रिंक बनाकर पीजिए और बच्चों को पिलाइए, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। एक माल्टा लिया है हमने, 15-16 हमने लाल वाले अंगूर लिए हैं, आप काले भी ले सकते हैं। ये अंगूर का जूस लिया है और ये संतरे का जूस लिया है हमने। ये चाट मसाला लिया है, ये 10-15 मैंने पुदीने के फ्रेश पत्ते को अच्छे से धो लिया है। काला नमक लिया है, पिसी हुई चीनी ली है, एक बड़ा नींबू का रस ले लिया है, सब ये सोडा लिया है फ्रेंड्स। सबसे पहले एक गिलास लेंगे, उसमें 6-7 हम ये अंगूर डाल देंगे इसमें, और इसमें हम 7-8 पुदीने के पत्ते भी डाल देंगे फ्रेंड्स। ये एकदम फ्रेश पत्ते हैं। 1/4 चम्मच इसमें चाट मसाला डालेंगे और 1/4 चम्मच ही हम इसमें काला नमक भी डालेंगे और 1 छोटी चम्मच इसमें हम नींबू का रस भी डाल देंगे और फ्रेंड्स 1 चम्मच इसमें हम पिसी हुई चीनी भी डाल देंगे। आप फ्रूट्स को पहले चेक कर लीजिए, आपका फ्रूट कितना मीठा है उस हिसाब से चीनी डालिए। और इस तरह का हम एक नुकीली चीज़ लेंगे, उससे हम इसे बहुत अच्छी तरह से क्रश करेंगे। मैंने ये बेलन लिया है, इसे बहुत ही अच्छी तरह क्रश करेंगे। इसमें पुदीने का सब चीज़ का बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से क्रश हो चुका है। अब इसमें हम ये आइस डाल देंगे क्रश की हुई, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही बढ़िया लगता है फ्रेंड्स। ये देखिए मैंने इसमें आइस भी डाल दी है। अब इसमें हम अंगूर का जूस डाल देंगे, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अब इसमें हम सोडा भी डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं क्या लाजवाब लग रहा है, ये बन गया है। अभी हम एक स्पून की सहायता से इसको अच्छी तरह से मसाला मिक्स कर देंगे। इसमें अच्छी तरह से मिलाना है। अब फ्रेंड्स इसको बना करके रखिएगा मत, इसको बनाइए और एकदम तुरंत सर्व कीजिएगा। ये देखिए बन करके रेडी हो चुका है, ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ये इसे हम पुदीने के पत्ते से गार्निश कर देंगे इसकी। ये देखिएगा पुदीने के पत्ते से हमने इसे गार्निश कर दिया है। अब हम दूसरा बनाएंगे, माल्टे का बनाएंगे। ये माल्टे को हम इस तरह से पीसेज में काट लेंगे पहले और इसके छिलके निकाल लेंगे फ्रेंड्स। इतना ध्यान रखिएगा बना कड़वा हो जाएगा। ये देखिए हमने इनके सारे छिलके निकाल दिए हैं। इसे 2-3 चम्मच हम इसमें डाल देंगे गिलास में और 7-8 पुदीने के पत्ते भी डाल देंगे और 1/4 चम्मच इसमें काला नमक डालेंगे और चाट मसाला भी डाल देंगे और 1 चम्मच इसमें हम पिसी हुई चीनी भी डाल देंगे और नींबू का रस भी डाल देंगे 1 चम्मच। अब इनको भी बहुत अच्छी तरह से क्रश कर लेंगे। इसमें पुदीने का भी बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है और आसानी से क्रश हो जाता है इस तरह से। ये देखिए हम आइस भी डाल दे रहे हैं क्रश की हुई, ये भी बहुत ही लाजवाब लगता है। अब हम ये संतरे का रस डाल देंगे, पूरा नहीं गिलास भरेंगे क्योंकि हमें सोडा भी डालना है। ये देखिएगा हम सोडा इस तरह से डाल देंगे इसमें। इस तरह की ड्रिंक्स फ्रेंड बहुत ही बढ़िया बनती है और 1 चम्मच की सहायता से इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि मसाले अच्छी तरह से मिल जाएं। इन मसालों के साथ फ्रेंड्स इसको बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये भी बनकर के रेडी हो चुका है। दोनों ड्रिंक बनकर के रेडी हैं, एक बार आप इसे ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये आप सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और आज की रेसिपी आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।